गाइज, एक एंटरटेनमेंट की तरफ से ओरू पेरू भैरवा कोना नाम की मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो देखते हैं उसमें क्या क्या है, फिर बात भी करेंगे। 1 2 3 लव स्टोरी, लव स्टोरी है ये तो क्लियर दिख रहा है। भाई मिस्ट्री वाला एंगल शुरू है, गरुड़ पुराण से रिलेटेड क्रक्स ऑफ भैरव कोना, तो कंडार मतलब बियॉन्ड द कमांड ऑफ गॉड, कर्म के ऊपर डेस्टिनी विल डू इट, रक्तपात जरगनी, दैट्स इट। ये क्या है, कुछ काफी मिस्टीरियस सी मूवी लग रही है गाइस, स्टोरी तो तगड़ी होने वाली है। बॉय साहब बवाल, क्या सीन था यार, ज़ोंबी भी है क्या इसमें, अब उठेगा। अच्छा अगले महीने आ रही है जुगनू, ही जुगनू। अच्छा ये जो डंडी है इसी में कुछ शक्ति भी होगी, इस पार सारा कॉम्बिनेशन है इसमें। गाइस ट्रेलर तो काफी बढ़िया लग रहा है, इसमें लव स्टोरी दिखाई जा रही है, और हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि इसमें कुछ रिचुअल भी परफॉर्म कर रहे हैं, और रिचुअल से रिलेटेड है, और स्पिरिचुअल गरुड़ पुराण जो है, गरुड़ पुराण आप लोग जानते होंगे कि हिंदू धर्म का एक गरुड़ पुराण है, तो उसी से भी संबंधित ये सकता है कि मूवी हो सकती है। गाइज आपने एक सीन देखा होगा जिसमें एक पुजारी बैठा होता है और कुछ रिचुअल टाइप का कर रहा होता है, तो हो सकता है कि वो रिचुअल है वो गरुण पुराण में कोई रिचुअल होगा जिसको परफॉर्म करते होंगे ये गांव वाले, और उसी रिचुअल में ये जो लड़की है जिसे वे ये हीरो प्यार करता है उसी में ये भी फंस जाती है, और इसको लोग किडनैप कर लिए होते हैं तो ये हीरो उसको बचाएगा। गाइज ऐसा लग रहा है कि भैरवा कोना कोई जगह है जहाँ पे ये हीरो जाएगा, और वहाँ मिस्ट्री ही मिस्ट्री लग रही है, और सारी मिस्ट्री खुल के आएगी। हाँ यहाँ पे ज़ोंबी भी दिख रहे हैं, हो सकता है कि रिचुअल करने से ये ज़ोंबी ज़ोंबी बन रहे हैं। गाइज हो सकता है कि जो नॉर्मल पीपल हैं वो लोग वो रिचुअल की वजह से ही ज़ोंबी बन रहे हैं, और ज़ोंबी के साथ साथ एक्शन भी है। और एक सीन तो आपने देखा ही होगा कि जब वो हीरोइन ही होती है शायद, पीछे से आता है मारने तो ऐसे उसके इसमें घुसा देती है, क्या मस्त सा सीन था एकदम, बहुत अच्छा शॉट। गाइज स्टोरी तो काफ़ी मिस्टीरियस सी लग रही है, स्टोरी काफ़ी प्यारी होने वाली है, जैसा कि देखने से ही लग रहा है कि बहुत सारा एंगल इसमें जुड़ा हुआ है। गाइज एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि गरुड़ पुराण जो है ना, गरुड़ पुराण में वो कर्मा के अनुसार एक आदमी को मरने के बाद आदमी या औरत को उसके उसके कर्मों के अनुसार उसको दंड मिलते हैं। गाइज जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि बीच में एक डायलॉग भी है कि कर्मा इज बियॉन्ड द गॉड, तो हो सकता है कि कर्म से ही रिलेटेड ये मूवी की स्टोरी पूरी की पूरी होने वाली है। रिचुअल और मिस्ट्री से भरपूर ये मूवी लग रही है, और एक्टिंग भी जबरदस्त होने वाली है। तो गाइज आपने बीच वाले सीन में देखा होगा कि एक मूर्ति सी होती है जहाँ से ऐसे शॉट आता है, तो मूर्ति जो गरुण के टाइप की लग रही है, तो वो गरुण ही है, और बेसिकली पूरी की मूवी लग रहा है पूरी की पूरी मूवी का जो बेस बनने वाला है ना गरुण पुराण से होके बनने वाला है। हो सकता है कि गरुण पुराण के 4 पेज जो कि गायब है, तो वो 4 पेज जो गायब हैं उसमें हो सकता है हीरोइन का जो पूरा होगा कर्म का, कि उसने क्या क्या कर्म किया है उसको क्या क्या दंड मिलेंगे, वो जो 4 पेज हैं उन 4 पेजों को हो सकता है हीरो ने गायब कर दिया हो। और आपने एक स्टिक भी देखी होगी जिसके ऊपर सा एक चमकता हुआ सा लग रहा है, उसमें लग रहा है कि कुछ अनोखी अनोखी शक्तियाँ हैं जिसको जो ले लेगा वो काफ़ी शक्तियों का मालिक बन जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मूवी स्टार्ट होगी लव स्टोरी के साथ, और उसमें एडअप होते जाएंगे जैसे कि पूरा रिचुअल होगा और ज़ोंबी वगैरह पूरा जो है स्टोरी पूरा इसमें एडअप होती जाएगी। स्टोरी काफ़ी लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हो हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।